And last, we are coming to the last paragraph, that is monsoon as a unifying bond. Monsoon as a unifying bond. Now, what does this mean? Monsoon as a unifying bond. You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. सो मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके मॉनसून जो है वो हमारी कंट्री में जब आता है तो एक बॉन्ड क्रिएट करता है. बॉन्ड मीन्स रिलेशन क्रिएट करता है. आप देखेंगे जब मॉनसून आएगा तो एवरीवेयर यू विल फाइंड ग्रीनरी. ठीक है, जब तक मॉनसून नहीं आता यू विल फाइंड द ट्रीज, द फ्लोर, द फौना इज एक्चुअली कम्प्लीटली ड्राई. जो भी आपकी सब चीजें ड्राई हो जाती है. ठीक है, फ्लोरा अगर आप देखते हैं तो फ्लोरा जो होती है वो पूरी तरीके से, दैट इज योर नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, वो पूरा ड्राई हो जाते हैं. सो दिस एक्चुअली इनेबल्स, आप देखते हैं जब मॉनसून आएगा एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी हो जाती है. ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी नो द वे द हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट. ये बात आपको पता है कि किस तरीके से हिमालयस जो है वो हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स. पूरे एशिया वाला जो रीजन है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा परमाफ्रॉस्ट रीजन है. यहाँ पर स्नो बेसिकली आप देखते हैं, बहुत हैवी विंटर्स, सीवियर विंटर्स रहते हैं, पूरे टाइम विंटर्स मिलते हैं. सो यहाँ से जो कोल्ड विंड्स होती हैं, कोल्ड करेंट्स जो होती हैं, वो हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मिटी to have uniformly higher temperature when compared to other areas on the same latitude. तो हिमालयस की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज अब हमारी कंट्री में देखेंगे कि थोड़े से टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कंट्रीज जो कि उन्हीं सेम लैटिट्यूड्स पर हैं, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे क्योंकि हिमालयस की प्रेजेंस ही नहीं है तो वहां आपको दिखता है कि वो कोल्ड विंड्स वहां पहुंच जाती हैं और वहां ठंड हो जाती है. ठीक है, अगर आप ये मैप देखते हैं तो आपको पता है आपकी हिमालय माउंटेन रेंज यहाँ पर है और ये माउंटेन जो है यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं ये पूरा का पूरा आपका कोल्ड रीजन है ना, यहाँ ठंड रहती है. ये कोल्ड विंड जो आ रही है बेसिकली वो हिमालय हमारी कंट्री में एंटर नहीं करने देते. तो हिमालय तो आपके सिर्फ यहीं तक ही है, बाकी जगह थोड़ी ना है. तो बाकी जगह आप ये देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट में आप देखेंगे कि विंड्स पहुंचती हैं और ये वहां पर कोल्ड, बहुत ज्यादा विंटर्स क्रिएट कर, सीवियर विंटर्स क्रिएट कर देती है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ having Himalayas in our country. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperatures. Also, ये बहुत ही जरूरी बात है कि आपकी जो presence है country की, जो location है, जिस तरीके से आपकी country located है वो बहुत important है. Because आप यह देखेंगे जो आपके पूरे coastal regions हैं, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूरा का पूरा जो आपका पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है ये सी के इन्फ्लुएंस में रहता है. इट इज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, क्योंकि ये सी के इन्फ्लुएंस में है तो दैट इज वाई यहाँ के जो रीजन हैं यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर्स रहते हैं, यहाँ सीवियर विंटर्स भी नहीं आते हैं. साउथ में तो आपको पता है विंटर्स होंगे ही नहीं बिकॉज इट इज ऑल्सो क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज है. और जो बाकी के आपका पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर भी इतने विंटर्स नहीं एक्सपीरियंस करे जाएंगे बिकॉज इट इज क्लोज टू योर वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के क्लोज है. एंड अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि अगर वाटर बॉडी के पास में है हम तो मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स मिलते हैं. ठीक है, ऑल राइट. Despite such moderating influence, there are great variations in temperature conditions. इतना moderate influence होने के बाद भी आप देखते हैं कि temperature conditions में variations देखने को मिलते ही हैं. Nevertheless, unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind systems and associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. आप देखते हैं कि rhythmic cycle of seasons आपको देखने को मिलती है. हर सीजन में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. हर सीजन के अपने एक फीचर है, हर सीजन की एक क्रॉप होती है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट. बहुत ही सुंदर पार्ट है ये इस पर्टिकुलर यू नो फीचर का, इस सीजन्स का, साइकिल ऑफ सीजन्स का. इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन
are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal, that is your fauna and plant life, flora, its entire agricultural calendar and the life of people, including their festivities, revolve around this phenomena. तो पूरे के पूरे ऐसे कई सारे फिनोमिनाज हैं जो क्या कि मॉनसून के आसपास रिवॉल्व करते हैं. एग्रीकल्चर हो गया आपका, एनिमल प्लांट लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मॉनसून सीजन बिकॉज ऑफ वाटर चाहिए होता है, ठीक है. लैंडस्केप जो है आपका, टूरिज्म की एक्टिविटीज हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फेस्टिवल्स हो गए, ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, ये सारे के सारे फिनोमिनाज आप देखते हैं कि ये मॉनसून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly wait, awaits the arrival of the monsoon. Sab jano ko monsoon ka intezar hota hai. I think, in fact, you people must also awaits for the, you know, rainfall season. Rainy season ke liye aapka bhi bahut zyada awaiting rehta hoga, right? So these monsoon winds bind the whole country by providing water to set agricultural activities in motion, क्योंकि अगर water नहीं है तो आपकी agricultural activities कैसे होंगी, right? So proper irrigation facilities, adequate amount of water हमें चाहिए होता है. उसके लिए आप हर साल आप देखते हैं कि हमारा majority of the agricultural sector depends on the rainfall. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. Okay? So with this we actually complete our chapter. हमारे chapter को complete करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करके. दैट इज योर मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. सो वी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. हमने आपका रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, आई होप नाउ यू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट हैं, बट अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं चैप्टर को, आप जो पढ़ाया जा रहा है, लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, उसको अगर आप सुनेंगे ध्यान से, इट विल बी क्लियर टू यू, इट विल बी क्लियर. सो यू कैन हैव अ लुक टू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन. आप देख सकते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है. वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर फाइनली एंड नाउ एज वी ऑलवेज डू वी हैव अ लुक टू सम ऑफ द क्वेश्चंस. हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. इन बिटवीन द चैप्टर आई डिड नॉट पिक द क्वेश्चंस, रीजन बीइंग बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में चैप्टर है जहां पर सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी है, ठीक है. एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, दैट इज वाई हमने कुछ क्वेश्चंस बीच में डिस्कस नहीं करे थे. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस. आई थिंक वी कैन टेक अप. आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज. ओके, so I hope you all are ready and ready to have a look at the questions, right? Okay, let's have a look at first. Describe the advantages of monsoon. आपको मॉनसून के एडवांटेजेस बताने हैं. मॉनसून के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जरा सोचिए. Just think of it, what can be the advantage of the monsoon. So advantages of monsoon can be, आप देखते हैं इंडिया को, इंडिया रिसीव 75-90% ऑफ रेनफॉल फ्रॉम मॉनसून. जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम दीज. मॉनसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इन द कंट्री. मॉनसून जो है वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह एक्ट करता है. आपको यहाँ पर एडवांटेजेस बताने हैं कि मॉनसून के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of the people, including their festivities, revolve around this phenomena. This is very clear to you. Abhi abhi hum discuss karke aaye hain. Monsoon winds behind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. Year after year, people of India from east to west and from north to south eagerly await the arrival of the monsoon. Every individual actually waits. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. So this is the advantage of monsoon. ये basic question है. आपसे पूछा जा सकता है कि आप monsoon से क्या समझते हैं, monsoon का क्या advantage है. So explain it in your own words. Now come to factors affecting India's climate. यहाँ से कुछ questions देखते हैं. Which rainfall is of immense importance for wheat crop in India? ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. Winter rainfall, which is locally known as Mahavat. Winter rainfall जो आपकी locally Mahavat कहलाती है,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रबी क्रॉप्स, दैट इज रबी क्रॉप. रबी क्रॉप में कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वीट. सो प्लीज कंफ्यूज नहीं हुए, आपकी बुक में लिखा है कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन रबी क्रॉप्स में भी तो बहुत सारी वेराइटीज हैं. रबी क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन. आपसे कोई भी क्रॉप डाल दी जाए, पूछ लिया जाएगा कौन सी रेनफॉल इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी है. नेम द एरियाज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया. कौन से एरियाज हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं हमारी कंट्री? द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दे आर अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. दिस इज ट्रू एज वी ऑलरेडी डन. हमने मैप में भी देखा कि ये जो पूरा आपका रीजन है, यहाँ पर आपको पता है महानदी डेल्टा है, देयर यू हैव गोदावरी रिवर, यहाँ तो कावेरी रिवर आ जाती है. सो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पूरे रीजन्स में आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का आपको इन्फ्लुएंस दिखता है. यू फाइंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर हियर. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन? बताइए क्या होता है विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन. हमने डिस्कस कर लिया है बहुत बार, अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले. वी हैव डिस्कस्ड इट. द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन फेसेस द विंड एंड दे गेट्स अ लॉट मोर मॉइस्चर. दैट मीन्स यहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी अगर ये विंड्स आपके आकर के इनको स्ट्राइक करती हैं. इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माउंटेन को अगर विंड्स आपके स्ट्राइक करेंगी, तो ये जो आपका पार्ट है माउंटेन्स का, ये पार्ट आपका कहलाएगा विंडवर्ड पार्ट, बिकॉज विंडवर्ड साइड कहलाएगी ये. बिकॉज विंडवर्ड क्यों? बिकॉज यही हवा आके स्ट्राइक कर रही है, और यही जब हवा आके स्ट्राइक करेगी तो आप देखेंगे यहाँ इसी पर्टिकुलर रीजन में बारिश. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज योर ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून. Which one factor is responsible for the development of monsoon trough over the northern plain? कौन सा factor है जो responsible होता है northern plains में monsoon trough के development में? So it is your shifting of ITCZ, intertropical convergence zone. Right? Then comes to the next question, question number 2. You can see here. See, मैंने कुछ topics से थोड़े-थोड़े questions उठाए हैं, so that आपको एक idea हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में से. हमने आपको किस तरीके से आंसर करना है क्वेश्चंस को. अराइवल ऑफ मॉनसून इज सडन व्हाइल इट्स रिट्रीट इट इज ग्रेजुअल. ये हमने अभी लाइन रीड भी करी थी कि मॉनसून जो होता है वो आपका सडनली एंटर करता है कंट्री में, एकदम से आएगा. लेकिन जो विड्रॉल होता है मॉनसून का, जो मॉनसून का रिट्रीट होता है, वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. वो धीरे धीरे करके आपकी कंट्री से बाहर जाएगा. So, आपको ये लाइन एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर कि इस लाइन का क्या मीनिंग है. सो द लाइन सेज अराइवल ऑफ मॉनसून इज सडन, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज एंड दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून. ये हम पढ़ के आए हैं. ये बेसिकली आंसर है कि आप किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में. Monsoon winds are very strong and they blow at an average velocity of 30 kilometers per hour. You should know the whole chapter. आपको पूरा chapter पता होना चाहिए तब आप इन questions को answer कर पाते हैं, ठीक है? So concepts पता होने चाहिए, then you will be able to answer these questions. That is why I took the questions at the end. I would have taken them before, but then it would have been difficult for you to understand and answer these questions. Monsoon winds are strong and they blow at an average velocity of 30 kilometers per hour. The monsoon winds over the country, monsoon winds cover the country in about a month. Third point, retreat of monsoon is a gradual process. The withdrawal of the monsoon starts in the northwestern states of India by early September. Mid-October tak aap dekhte hain ki humare puri northern half se ye bilkul withdraw ho jata hai. And by early December, you see, rest of the country से भी ये withdrawal हो जाएगा. So, पहले आप बताएंगे कि आप arrival of the monsoon या onset of the monsoon से क्या समझते हैं. Then, आप इस question में withdrawal के बारे में बताएंगे. ठीक है, तो आपको इस question में दो part में answer देना है. पहला part इसमें दो pointers में हमने discuss करा about the arrival of the monsoon, कि monsoon कैसे arrive होता है. And then we discuss कि monsoon जो आपको country से बाहर जाता है, वो कैसे बाहर जाता है. Okay, now we have some more important questions. यहाँ पर देखिए कुछ important question है ये.
state any three atmospheric conditions which govern the climate and associated weather conditions in India. So यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन रीड करिए, स्टेट एनी थ्री, आपको कोई से भी तीन एटमोस्फेरिक कंडीशंस बतानी है विच गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया, जो कि पूरे के पूरे आपके इंडियन क्लाइमेट को गवर्न करती हैं. ऐसी तीन एटमोस्फेरिक कंडीशंस को आपको डिस्कस करना है यहाँ पर. कौन कौन सी हैं ये हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था. द फर्स्ट एज यू कैन सी इज द लोकेशनल एंड द रिलीफ फीचर. दिस इज नॉट लोकेशनल आप कह सकते हैं इसको, वहां बुक में आपके लिखा हुआ है लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड लिखा हुआ. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो लोकेशन ही होती है क्योंकि लैटिट्यूड से आप लोकेशन ही निकालते हैं. सो द लैटिट्यूडनल एंड द रिलीफ फीचर, लैटिट्यूडनल एंड द रिलीफ फीचर. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. I have told you this many, many times. Upper wala portion, one se type of climate ko experience karta hai. Niche wala southern India, one se type of climate ko experience karta hai. And that is why aap hi dekhte hain ki yahan par aapko characteristics dikhai dengi dono type of climates. India has mountains to the north. That is your relief feature. Pehla aapne discuss kara latitude. ये फर्स्ट पॉइंटर आपका लैटिट्यूड का है, देन इस पर्टिकुलर लाइन में आप डिस्कस कर रहे हैं द रिलीफ फीचर. इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ व्हिच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6,000 मीटर्स. द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली कि आपको कोई सी भी तीन एटमोस्फेरिक कंडीशन डिस्कस करनी है जो कि आपकी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. हमने स्टार्ट करा डिस्कस करना, फर्स्ट पॉइंटर आपने बताया लैटिट्यूड, फिर आप सेकंड आपने डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम रिलीफ के बारे में, ठीक है, लैटिट्यूड एंड रिलीफ. देन वी डिस्कस ओवर हियर अबाउट द प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स. अब आप यहाँ डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में. सो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की अगर बात करें, सो ड्यूरिंग द विंटर देर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. Cold dry wind blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. ये आपको पता है कि जब winters होते हैं तो northern part of the country में which type of pressure exists and यहाँ जो आपकी water body है यहाँ पर कौन सा pressure होगा. We have discussed it many times, right? In summer, a low pressure area develops over the northwestern India. So basically, जब आप pressure and surface winds discuss करेंगे तो आपको दोनों seasons के बारे में बताना होगा कि winters में कैसी situation होती है और summers में क्या situations होती है, ठीक है. Then we have upper air circulation. Upper air circulation, I told you. The upper air circulation over India is dominated by westerly flow. Westerly flow se dominate karta hai. An important component of this flow is the jet stream. Jet streams blow south of Himalayas all through the year except in summers. Agar aap dekhein to summers mein jet streams jo hai wo aapki country se bahar chale jate hain because ab aapke monsoon aane wala hota hai. The western cyclonic disturbances experienced in the north and the northwestern parts of the country, they are brought by the westerly flow. So this is what is your upper air circulation. Ye book mein aapke de rakha hai pointer. Okay. Then the next question, pressure and the wind condition over India are unique. Pressure and wind conditions jo hai India par wo bahut zyada unique hai. Give any three example to support this statement. Is statement ko aapko prove karna hai that pressure and wind conditions over India are very, very unique. So pressure and wind conditions hai wo bahut unique hai, theek hai. To ye same hi hai question, basically question ka answer same hi rahega. Winters mein aap dekhte hain ki high pressure area develop ho jata hai Himalayas mein aur cold winds blow karne lagti hain, theek hai, low pressure area par. Ye humne aapko explain kara hai, I have explained you this ki jab bhi aap ye discuss karenge aapko winters aur summers dono ki situation yahan batani hogi. There is a complete reversal in the direction of the winds during summers. Air basically moves from the high pressure areas to low pressure areas as southwest monsoon winds. The winds collect moisture from the warm ocean and they cause rainfall over Indian mainland. Okay, now we come to the topic of seasons. Hum seasons par se dekhte hain kuch question. Which coast of India received winter rainfall due to the northeast trade winds? Northeast trade winds ki wajah se
कौन सी जगह है इंडिया में जो रेनफॉल रिसीव करती है? तमिलनाडु कोस्ट. इन विच मंथ ऑफ द ईयर इन इंडिया टेम्परेचर्स आर हाई व्हाइल नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. हमने पढ़ा ट्रांजिशन जोन अक्टूबर एंड नवंबर वाला. देन व्हाई डज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर विंटर्स इन दिसंबर एंड जनवरी? क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्री मानसून शार. प्री मानसून शार के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. ठीक है, डिफाइन द टर्म लू. लू टर्म को आप डिफाइन करें. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वन वन मार्कर क्वेश्चन है. यू नो बहुत टर्म वाले क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजीज हैं. नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन. देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपसे डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाएगा कि आप लू या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को डिफरेंस करें. और इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सीजन एंड द विंटर सीजन. समर सीजन और विंटर सीजन में आप डिफरेंशिएट करें. ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लू और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में डिफरेंस. लू जो है वो स्ट्राइकिंग फीचर है आपके हॉट वेदर सीजन का. वहीं अगर हम देखें तो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कोल्ड वेदर सीजन का स्ट्राइकिंग फीचर है. सेकेंड पॉइंट, लू स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. वहीं अगर हम देखें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम विच ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी. ये लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि मेडिटेरेनियन सी के वहां डेवलप होता है एंड वेस्टर्न एशिया साइड, और ये इंडिया की तरफ आते हैं विद द वेस्टर्नली फ्लो. वेस्टर्नली फ्लो से ये धीरे धीरे आपकी इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया. दीज विंड्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and they may bring light rain and cool breeze. तो आपके जो dust storms होते हैं वो थोड़ा सा cool down कर देते हैं temperature को. वहीं अगर आप देखें western disturbances तो आपके snowfall लेकर के आते हैं, और जो आपका plain region है northern plains वाला जो region होता है वहां पर ये rain लेकर के आएंगे. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फेटल. बहुत ज्यादा फेटल होती हैं, डेंजरस होती हैं इनके. अगर आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं डायरेक्टली तो यू योर हेल्थ कैन बी हार्म्ड. द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द राबी क्रॉप. सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेनफॉल आती है जिसको हम महावट बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके राबी क्रॉप्स के लिए. सो विद दिस वी कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आपके. I hope you are able to understand. आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं. And now we come to the back exercises. फटाफट से आप जल्दी से अपनी बुक खोलिए और back exercises पर आ जाइए. As we always do at the end of the chapter, I just give you 2 minutes. Quickly mark the answers of these questions. आप इन questions के answer mark करें जल्दी से. We'll be discussing them in 2 minutes. I'll be just asking you. I will ask you the answer of these questions. आप जल्दी से इन questions के answer को tick करें अपनी अपनी book में. Quickly. Everyone, you need to do this. ये self evaluation होता है. It is very important for you to do this. Please. Answers find out करें आप. Which one of the following place receives the highest rainfall in the world? हमने ये पढ़ा है आपका. We have studied this. बताइए answer. Which one? A, B, C or D? क्वेश्चन देखिए सारे. सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज. नॉर्दर्न प्लेन्स पर जो विंड ब्लो करती है उसे क्या बोला जाता है? बताइए. डिड यू टिक द आंसर्स? सो द फर्स्ट वन इज मौसिन राम. If you remember, मेघालय वाला region, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स आते हैं, मौसिन राम. देन सेकेंड क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज.
लू. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज आस्किंग यू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये वाला रीजन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने आपको बताया था दैट जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो आपके नॉर्थ के पार्ट को रेनफॉल नहीं देती हैं, बिकॉज ये ड्राई विंड्स होती हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती हैं. ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी आप देखेंगे विंटर्स में ये नदन पार्ट जो है आपका कंट्री का, यहाँ पर रेनफॉल होती है, और वो किस वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज. आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज. अभी अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं. आई एम सो सॉरी, इट इज अगेन टिकिंग ऑन डी. द ऑप्शन इज सी. मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, कब आता है मॉनसून इंडिया में? अर्ली जून. इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले ये आएगा और कहां पर? सदर्न टिप पर. सदर्न टिप पर, फर्स्ट ऑफ जून. फर्स्ट ऑफ जून सदर्न टिप. ठीक है, एंड उसके बाद में आप ही देखते हैं कि लगभग 10 जून को आप देखेंगे मुंबई पहुंचता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया. इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो कि कोल्ड वेदर सीजन के लिए है. बताइए. बताइए कौन सा होगा. वार्म डेज, वार्म नाइट्स, क्या विंटर सीजन का कैरेक्टरिस्टिक है ये? इज इट? नो. वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, इज इट द कैरेक्टरिस्टिक? नेक्स्ट, कूल डेज एंड कूल्ड नाइट्स, कूल डेज एंड वार्म नाइट्स. बताइए ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? कोल्ड वेदर सीजन, दिन में आपको डेज कैसे मिलते हैं? गर्म. और रात कैसी होती है? ठंडी. ठीक है, सो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स. रात बहुत ठंडी होती है, दिन थोड़ा सा गर्म होता है. ठीक है, ऑल राइट. सो विद दिस वी कंप्लीट योर चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है. अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. प्लीज डू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. व्हाट आर द यू नो फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्यों है बताइए? विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायअर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड बाय? विच विंड अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मलबार कोस्ट? जेट स्ट्रीम्स डिफाइन मॉनसून, मॉनसून कंसिडर्ड एज यूनिफाइंग बॉन्ड बाय? प्लीज डू आंसर दीज क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को आंसर करें. क्वेश्चन फोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको रीजन देना होता है. ठीक है, प्लीज डू ट्राई आउट दीज क्वेश्चन. आप इनके आंसर्स लिखें. तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल, क्यों? हमने पढ़ा है बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ. सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऐसा क्यों? अरब्स आए थे, उन्होंने ये चीज नोटिस करी थी. डेल्टा रीजन जो है ईस्टर्न कोस्ट, वो आप देखते हैं कि वहां पर साइक्लोन्स आते हैं. राजस्थान के पार्ट में और वेस्टर्न घाट की लीवर्ड साइड्स, ये ड्रॉट प्रोन रीजन होते हैं. क्यों होते हैं ड्रॉट प्रोन रीजन? हमने डिस्कस करा है, बिकॉज यहाँ पर बारिश नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? ये लीवर्ड साइड है. लीवर्ड साइड इज अ साइड जहां पर आपके विंड्स स्ट्राइक नहीं करती हैं. सो आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू. आपको ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से. सो थैंक यू एवरीवन. We'll be continuing the lecture series for class 9th geography with the next new chapter very soon. Till then, just keep revising and keep learning. Good day.